मुझे माधव भैया की बहुत फिक्र रहती है। वो दिल के इतने साफ है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। मानो भी कुछ ही दिन पहले की बात हो जैसे। भैया और भाभी एक साथ कितना खुश थे, उनकी खुशी से पूरे घर में रौनक छाई रहती थी। लेकिन भाभी के जाने के बाद भैया एकदम अकेले हो गए हैं। चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, बस भाभी की फोटो को निहारते रहते हैं। मुझसे भैया की हालत देखी नहीं जाती। मैं खुद जब इतना सा था ना, तब से भैया ने मुझे संभाला है। मुझे वो हर चीज ला कर दी जो मैंने सिर्फ सोची थी। आज जब मैं इस काबिल हो गया हूं तो मुझसे नहीं देखी जाती भैया की हालत। मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूं और मेरे लिए उनकी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, कभी मांगूंगा भी नहीं। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, भाभी को वापस ले आओ। भाभी को अगर कोई वापस ला सकता है तो वो तुम हो। प्लीज।